आज मैं प्रेयर कर रहा था और मैं जब मैं सुबह प्रेयर सुबह भी प्रेयर कर रहा था उठकर, फिर मैं परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर ठीक है, तेरे दास मरे भाई प्रेरित पॉल ने कहा जो अन्य भाषा करता है वो अपनी उन्नति करता है क्योंकि उसके वचन में लिखा है। और आपने से शायद हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, लिखा जो अन्य भाषा करता है वो अपनी उन्नति करता है। क्या करता है? कितने लोग अपनी उन्नति करते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ, जो अपनी उन्नति करते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो आप अपनी उन्नति करते हैं? अपनी उन्नति, मैंने कहा कितने लोग हैं आप में से जो अपनी उन्नति करते हैं? अपनी उन्नति किस चीज से होती है? मैंने कहा कितने लोग हैं जो आप में से अपनी उन्नति करते हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपनी उन्नति करते हैं? पूछा करो, कुछ नहीं अगर आप अपनी उन्नति करते हैं। नहीं, मैंने हाथ हलाने के लिए नहीं कहा, हाथ उठाने के लिए। ध्यान से सुना करो पहला। हाँ बोलो, कितने लोग हैं जो अपनी उन्नति करते हैं? अपनी उन्नति, अपनी उन्नति कैसे होती है? कैसे होती है अपनी उन्नति? मैं पूछता हूं किसी से, आप बताओ। नहीं, हाथ खड़ा करो। अपनी उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति, जो मैंने कहा अपनी उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति रोज रोज, जो रोज अपनी उन्नति करते हैं इस चीज के लिए, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो अपनी उन्नति करते हैं? अपनी उन्नति कैसे होती है? ठीक है, राइट। इस साइड कोई अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करता। हाँ, इस साइड पे कोई अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करता। मैंने कहा इस साइड कोई अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करता। आप चाहते हो ये चश्मा लग जाए? चाहते हो ये चश्मा लग उतर जाए मेरा? हाँ, आत्मिक उन्नति करते हो? वो क्या होती है? करते हो तो फिर आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? वैसे ये हंसने वाली तो बात नहीं है। हाँ, नहीं कम करते हो तो फिर बढ़ना इसमें, इस चीज के बढ़ने से ये चश्मा उतर जाएगा, याद रखना। अगर आप आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे, क्योंकि तो आपको पता नहीं है बाइबल में लिखा रोमियो 8:26 में कि परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलताई में क्या करता है? सहायता करता है। दुर्बलताई मतलब कमजोरी, कमजोरी समझते हो ना? जब इंसान परेशान है, बीमार है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, हाँ, बच्चों से दुखी है, कोई हो सकता कोई स्त्री अपने पति से दुखी हो, समझ आ रही है? आप अपनी आत्मिक उन्नति करते हो? अपने हाथ खड़ा किया नहीं? हाँ, नहीं अपने, मैंने तो देखा नहीं आपका। जब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं ना, तो जब तक मैं ना कहूं तब तक अपना हाथ रखना। अगर थक जाए तो हाथ को हलाना मैं समझ आऊंगा, पर अपना हाथ रखना जब तक मैं ना बोलूं नीचे करो, क्योंकि इस चीज से क्या होती है? हमारी आत्मिक उन्नति। क्या होती है हमारी? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ना पड़ू? चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं? इस वीरवार मीटिंग नहीं हो गई, इस वीरवार मीटिंग नहीं है। मैंने ये बाद में अनाउंस करना था, पर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ये बात आपको पहले बता रहा है। इस वीरवार मीटिंग नहीं होगी, पर अगर आप आत्मिक उन्नति में, आत्मिक ग्रोथ में बढ़ना चाहते हो तो फिर मैं ट्यूसडे ये मीटिंग करूंगा आपके साथ। क्या करूंगा?
ट्यूसडे मंगलवार में आपसे ये मीटिंग करूंगा, अगर आप आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हो, चाहते हो बोलो। इस उन्नति से आपको पता क्या हो सकता है, इस उन्नति से मेरे भाई का एक बेटा है, उसे एक रात तेज बुखार हो गया, अब तो बहुत बड़ा हो गया। मुझे आप याद है कि उस दिन जब उसका पूरा प्राण, उसका पूरा शरीर अकड़ गया, पूरा नीला पड़ गया, क्या पड़ गया, पूरा नीला पड़ गया वो। ये बहुत पहले समय की बात, तब मैं प्रभु में नया था, बिल्कुल नया था, कुछ ही महीने हुए थे, क्या हुए थे। और उस दिन मैं अभी मैं जानता हूं कि उस दिन जो मैंने अन्य भाषा में उस बेटे को ऐसे, जो पूरा उसके हो सकता हल्का हल्की सी जान हो पर लगता नहीं, क्योंकि उसका पूरा अकड़ गया, पूरा श्री नीला पड़ गया, उसकी लैट्रिन बीच में निकल गई और मुंह में झाग आई पूरी, जैसे खत्म। और उस रात आज तब मैं प्रभु में कुछ महीने का था, और मैंने इसी अन्य भाषा में उस अंधकार की नेगेटिव पावर को डांटा, और वो बच्चा उठ खड़ा हुआ और अपनी मां से कह रहा, मुझे भूख लगी दूध तो। आपको पता नहीं है इस उन्नति से क्या क्या हो सकता है। चाहते नहीं लोग, चाहते नहीं, चाहते हो, क्योंकि ये चीज करोड़ों से, अरबों से, खरबों से भी ज्यादा कीमती है। आपकी कुछ लोग अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ते, अपने काम को नहीं छोड़ते, ये खरबों से भी, खरबों रुपया गिनने में क्या हो जाएगा आपका, खरबों रुपए को गिनने में आपके अंदर का क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। हाँ लगाते ना करके, आप थक जाओगे, पर उस खरबों से भी ये चीज नहीं मिलेगी। पर परमेश्वर आपको फ्री में देना चाहता है, पर लेना लोग लेते नहीं। हाँ मैंने कहा परमेश्वर आपको फ्री में देना चाहता, पर लोग लेना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो तो मैं इस ट्यूसडे, अब ये ना कहना हमारा काम है जी, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, ये क्या है वो क्या। वही बंदा अगर बीमार हो जाए, अगर वही बंदे की कोई रिश्तेदारी में कोई उसकी डेथ होगी, मर्ग होगी, तो वो जाएंगे, नहीं जी वो हो गया, हम नहीं आ सकते। हाँ शादी आ गई, हम नहीं जा सकते, बीमार है, मैं क्या करूं, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे काम करूं। पर बात परमेश्वर की हो तो फिर वो कई बहाने क्या कुछ, पर जिसके जीवन में प्रेम है वो आएंगे। बोलो अपने कामों के लिए हम छुट्टी करते कि नहीं करते, पर अगर आपके जीवन में प्रेम है तो फिर आप आओगे। क्या हो गया, आप चाहते हो जो आत्मिक ग्रोथ में बढ़ना चाहते हो, चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं उस स्पिरिट को लूं, उस आत्मा को लूं। जिनके पास अभी तक होली स्पिरिट का दान नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, और वो अन्य भाषा गैर भाषा नहीं करते, तो गैर भाषा नहीं करता, हाँ क्यों नहीं करता, पीछे हो जा, क्यों नहीं करता, हले आई नहीं, हले आई नहीं, कथों आनी है, अंदरों परमेश्वर, अंदरों आनी है ना, तो कैसे आएगी। हाँ इसको देखो, इसके अंग पैर देखो, इसके देख रहे हो ना अंग पैर, ये नेगेटिव पावर की पावर है जिसने इसे जकड़ा है, पर स्पिरिट से बंधन टूटते हैं। हाँ स्पिरिट से भरने से बंधन टूटते हैं, क्या करते हैं मगर इसे पता नहीं, और ना ही इसने, हो सकता मैंने ये चीज बहुत बार बोली मगर अंदर चाहत नहीं आई, इच्छा नहीं आई, क्या नहीं आई, अंदर चाहत नहीं आई, इच्छा नहीं आई कि मैं भी इस चीज को करूं। अगर ये उस चीज को लेकर रोज करता होता जब से ये यहां पे, फिर ये ऐसे नहीं, हाँ फिर ये ऐसे नहीं खड़ा होता, ये मेरे जैसे ऐसे कैसे होता। हाँ और ये दूसरों को बताता मेरा परमेश्वर कौन है, मगर बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसने खुद नहीं उस चीज को किया, क्योंकि हर चीज मन से और मेहनत से होती है, चाहता है
आज जितने लोग स्पिरिट की पावर को चाहते हैं, किस चीज की? स्पिरिट की पावर को, स्पिरिट की पावर को, इस चीज से भी आपकी सैकड़ों टेस्टामनी बनेगी। और ये बात मैं कहता हूं चर्च में बहुत कम बताई जाती है। विश्वास से ज्यादा प्रीच होता है विश्वास का, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, और उदाहरणें भी विश्वास की दी जाती। क्या दी जाती है? उदाहरणें भी, जो प्रभु ने बहुत से दृष्टांत, बहुत से रोगियों को कहा, पर इस चीज से भी, क्योंकि जब यीशु मसीह ने, जब ये चीजें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब प्रभु ने लोगों को चंगा किया, चेलों को बताया, तब स्पिरिट नहीं था। बोलो क्या है? तब लोगों के पास आत्मा नहीं था, विश्वास से काम हो रहे थे। पर यीशु मसीह ने खुद कहा चेलों से कि मेरा जाना पिता के पास अवश्य, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो सहायक पवित्र आत्मा आपको मिलेगा नहीं। क्या नहीं मिलेगा आपको? पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा जाना अवश्य है। क्योंकि चेले प्रभु से प्रेम करते थे, पत्रस नाराज हो गया प्रभु से। हाँ, समझ आ रही है? और जाओ इस चीज को करके देखो, ये अनुग्रह की बात है। तब जब यीशु मसीह ने खुदा की सामर्थ को प्रकट किया, उस समय लोगों के पास आत्मा का दान नहीं था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, स्वर्ग में, हाँ बोलो क्या है, स्वर्ग में चले गए, तब उसने कहा था कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो सहायक, जो मददगार है, आपकी मदद करने वाला, वो आएगा नहीं। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे नाम से पिता तुम्हें सबको देगा। आमीन। लेना चाहते हो? लेना चाहते हो उस चीज को जो आज अनुग्रह की चीज है, कि स्पिरिट की पावर से, उसमें बढ़ने से, अन्य भाषा करने से आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। क्या होंगे? बड़ी बड़ी कमाइयां होगी आपके जीवन में, आपके रास्ते खुलेंगे। आमीन।